हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर संगीता। दोस्तों, गोंडना आर्ट जो आज फैशन में बॉडी टैटू के रूप में प्रचलित है, उसके ऊपर मैंने एक अपनी पेंटिंग बनाई है जो हैंडमेड शीट पर एक्रेलिक रंगों द्वारा बनी हुई है। इस चित्र में एक स्त्री जो तोते को ली है पिंजरे के साथ में, उसके ऊपर गोंडना आर्ट बनी हुई है और बैकग्राउंड में उसी से संबंधित और डिज़ाइन बनी हुई हैं। दोस्तों, आज मैं पहले आपको गोंडना आर्ट के बारे में संक्षिप्त परिचय दूंगी। गोंडना एक प्राचीन कला है और पूरे विश्व में इसे आदिवासी संस्कृति नाम से जाना जाता है। हमारे भारतवर्ष में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, राजस्थान आदि बहुत ढेर सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पर ये आदिवासी कला प्रथा के रूप में प्रचलित है। टैटू के कुछ सामान्य और लोकप्रिय पैटर्न आदिवासियों की प्रमुख पसंद हैं। वे फूल, ज्यामिति डिजाइन, घोड़े, हाथी, बिच्छू, मोर, बिंदी आदि आदिवासी मिथकों को चित्रित करते हैं। छत्तीसगढ़ में गोंडना स्त्रियों का आभूषण माना जाता है। मृत्यु के बाद सारे आभूषण इसी संसार में रह जाते हैं और केवल गोंडना ही देह के साथ परलोक तक जाएगा, ऐसी मान्यता है। गोंडना का चिकित्सीय उपयोग भी किया जाता है, जैसे बच्चों के अपंग होने पर उनके हाथ या पैर पर गोंडना गुदवाते हैं तो वे क्रियाशील हो जाते हैं। अलग अलग आदिवासी समुदाय के मोटिफ भी अलग अलग बनते हैं। एक समय आदिवासी समाज में गोंडना को लेकर बहुत उद्वेलन रहा है कि यह पिछड़ेपन की व अशिक्षित होने की निशानी है, पर अंततः यह परंपरा अपना अस्तित्व बचा पाने में सफल रही और आज एक फैशन के रूप में शरीर पर अपनी सुंदरता की छाप छोड़ती जा रही है। तो दोस्तों, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें व लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।